चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस में है, उसमें आप एक चीज नोट करेंगे, एक फार्मूला इसमें इस्तेमाल होता है, 1, 2, 3, 4 सन फार्मूला। अभी 1, 2, 3, 4 सन फार्मूला है क्या चीज, किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको? ये जो 1 और 2 और 3 है, ये अगर आपको वो पुरानी टेबल याद हो, इससे पिछले या पिछले वीडियो में एक हमने प्रोनाउंस की जो एक टेबल बनाई थी, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यूज हुए थे। तो मैं इस वन को फर्स्ट करता हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड पर्सन। और एस ओ एन से मुराद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नन है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एस ओ एन ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अगर मैं वही जुमला वापस या कोई और जुमला लिखूं, तो डायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे, ही सेज टू मी आई एम टीचिंग यू। अब इसमें ये पार्ट है, ये इस्तेमाल होता है रिपोर्टेड स्पीच के लिए, क्योंकि है ये पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये इस्तेमाल होगा रिपोर्टिंग के लिए, जो कि ये पार्ट है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। शायद ये मैंने थोड़ा सा तेज कह दिया और आपकी समझ में भी ना आया हो। रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रियल स्लो, रिपोर्टेड स्पीच में जो कि ये जगह है, ये सेंटेंस है, इसमें जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। कैसे? अगर मैं इस जुमले को चेंज करूं तो ये इस तरह होगा, ही सेज टू मी, और हम इस कामा और इन्वर्टेड कामा को ख़त्म करके दैट लगाते हैं। आई है, आई चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ई है, हम यहाँ पर ई लिखेंगे। अब ई के साथ एम नहीं लगता, ई के साथ लगता है इज, टीचिंग वैसे का वैसे, ठीक हो गया। अब ये जो सेकंड है, इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये क्या है, मैं दोबारा इसको जुमले को रिपीट करता हूँ, जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इस जुमले में यू को हमने चेंज करना है मी में। ये क्या कहलाएगा, ये जुमला कैसा होगा, ये होगा ही सेज टू मी दैट ही इज टीचिंग मी। तो हमने क्या, किस तरह चेंज किया इसको, ही सेज टू मी दैट ही इज टीचिंग मी। तो हमने इस तरह चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन में दो तब्दीलियां सीख ली। पहला था फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब हम एक तीसरा दूसरा जुमला बनाते हैं जिसमें थर्ड पर्सन हम इस्तेमाल करें। मैं इन दो जुमलों को थोड़ा सा श्रिंक करके इसमें जगह बनाता हूँ। अकरम सेज टू मी वी आर प्लेइंग ग्रेट। अकरम सेज टू मी वी आर प्लेइंग ग्रेट। अब जब इसको हम चेंज करें तो ये होगा, अकरम says to me that we are playing great, हम बेहतरीन खेल रहे हैं। तो इसमें जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है वो नन, चेंज नहीं होते, वो रिमेन सेम, डू नॉट चेंज। तो इस तरह हम क्या करते हैं, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनको चेंज करते हैं। अगर ये समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को रिपीट करके एक दो दफ़ा देखे, और वो जो चार्ट है जो हमने कुछ वीडियो पहले जिसको बनाया था, इस चार्ट को आप
बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, और इसमें जो भी चीज़ें आप समझ जाएंगे फिर उसके बाद इनको चेंज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम एक और जुमला भी बनाते हैं। दे से ही इज नॉट प्लेइंग, दे से ही इज नॉट प्लेइंग। जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये होगा दे से दैट ही इज नॉट प्लेइंग। तो इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई प्रोनाउन की, क्योंकि ये ही जो था ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन रिमेन सेम और दे डू नॉट चेंज। तो इस तरह हम प्रोनाउंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं।